फ्रेंड्स, वेलकम टू यम चस्का। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन, और ये हैं ब्रेड के। जी हाँ, ब्रेड से बने गुलाब जामुन। कैसे बनते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें दरकार है वो है वाइट ब्रेड के पीसेस, जिनको हमने किनारों से काट लेना है। मैंने 12 पीसेस लिए हैं। उसके बाद 2 टेबल स्पून हमें ड्राई मिल्क पाउडर चाहिए, 1 टेबल स्पून कास्टर्ड शुगर, चीनी का पाउडर भी उसको आप कह सकते हैं, कुछ बादाम गार्निशिंग के लिए, क्रीम चाहिए, और दूध हमें जितना इस्तेमाल करना पड़ेगा, 1 कप चीनी और 1 कप पानी। 1 कप पानी और 1 कप चीनी को डालकर हम पहले शीरा तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पानी ने उबलना शुरू कर दिया है, और जैसे ही पानी उबलना शुरू होगा हम उसको चूल्हे को स्लो कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहे। इसको बंद मत कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये पकती रहे। उसके बाद एक बाउल में हम ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। हमारे एक फ्रेंड हैं यूके में, बहुत प्यारे हमारे भाई हैं, ये उनकी फरमाइश पे बन रहे हैं। हमारी बर्फी की रेसिपी उनके घर में 2 से 3 बार बन चुकी है, तो उनके बच्चे चाहते हैं कि हम उनके लिए गुलाब जामुन बनाएं। अब आप इन छोटे छोटे टुकड़ों में ड्राई मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा, ये बाजार जैसे गुलाब जामुन का टेस्ट देंगे। 1 टेबल स्पून कास्टर्ड शुगर, क्रीम डाल लें, और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो जो आप दूध इसको गूंदने के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप वो मलाई वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को आहिस्ता आहिस्ता डालिए, क्योंकि हम अब इसकी डो बनाएंगे। हाथों को धोना मत भूलिएगा, ये आपकी और आपके अपनों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। दूध को आहिस्ता आहिस्ता ऐड करके, अगर आपको ज़रूरत हो मैशर की तो आप उसको मैश कर सकते हैं, ताकि उसमें कोई लम्स ना रहें। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल डो तैयार है। स्टिकी है, लेकिन हम अपने हाथों को ग्रीस कर लेंगे। हाथों को ग्रीस करके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये आपकी अपनी पसंद है, अगर आपको छोटे बॉल्स बनाने हैं आप छोटे बनाइए, और अगर आपको बड़े बनाने हैं बड़े बनाइए। मैंने मीडियम साइज़ को रखा है। एक एक करके हम बॉल बनाएंगे। हाथों को अगर बार बार ग्रीस करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको फील हो के कोई लम्स हैं उसके अंदर, तो आप उसको अपने हाथों में ही मैश कर सकते हैं। हमारे बॉल्स तैयार हैं। गरम ऑयल के अंदर अब हम इनको फ्राई करेंगे। एक एक करके डालिएगा, बहुत एहतियात से डालिएगा। आपको अपनी और अपने हाथों की बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि जब आप गरम तेल पे काम कर रहे होते हैं तो बच्चे आपके करीब मत आएँ, बहुत एहतियात करें इस बारे में। हमने एक एक करके बॉल डाल दिए, और अब हम इनको फ्राई करेंगे। उन्होंने स्लोली अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। अगर आपको वो गाढ़े रंग के पसंद हैं तो आप इनको और फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा गाढ़े नहीं करने हैं तो आप इनको निकाल सकते हैं। जिस शीरा में हम गुलाब जामुन डालेंगे वो गर्म होना चाहिए। अगर वो गर्म होगा तो गुलाब जामुन रस को अच्छा सोख कर लेंगे। हमने सारे गुलाब जामुन डाल दिए हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए, हमारे ब्रेड से बने गुलाब जामुन तैयार हैं। मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि ये कैसा बना। ईद के मौके पे बनाइए, और घर के इंग्रेडिएंट से बनाकर सबसे शाबाश लीजिए। बहुत ही मज़ेदार,
बताइएगा आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। खुदा हाफिज़।